आपका मेरे चैनल में स्वागत है। होलाष्टक कब है? होलाष्टक में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। होली पर्व की शुरुआत होलाष्टक से प्रारंभ तक धुलड़ी तक रहती है कि होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी इससे लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। होली से 8 दिन पहले सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। आइए जानते हैं इस साल होलाष्टक कब से लग रहा है, होलाष्टक का क्या धार्मिक महत्व है, होलाष्टक कब से शुरू है। 7 मार्च 2023 को होलिका दहन होगा, जबकि 8 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, इसलिए 28 फरवरी से होलाष्टक शुरू होकर 7 मार्च को समाप्त होंगे। होलाष्टक का महत्व। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली के 8 दिनों पहले तक होलाष्टक मनाए जाते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष की होली से लेकर होलिका दहन तक की अवधि में होलाष्टक में तप करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत होते ही एक पेड़ की शाखा काटकर जमीन पर लगा देनी चाहिए। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं, जिससे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक पे क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य, इसकी एक कथा प्रचलित है। राजा हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। कहते हैं 8 दिनों में उन्होंने भक्त प्रहलाद को कठिन यातनाएं दी। 8वें दिन के बाद होलिका ने उन्हें अपनी गोदी में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद बच गए। बता दें इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इन दिनों कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। होलाष्टक में क्या ना करें। मान्यता है कि होलाष्टक में शादी, नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ, संपत्ति की खरीदारी के साथ साथ नया व्यापार, नई नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान किए गए किसी भी कार्य में शुभ और मांगलिक कार्यों में सफलता नहीं मिलती। हिंदू धर्म में होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। नई शादी की हुई लड़कियों ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए और कोई भी मांगलिक कार्य शुभ नहीं माना जाता है। इसमें शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में शुरू होने वाले 16 संस्कार, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। होलाष्टक के दौरान खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। होलाष्टक पर करने चाहिए ये काम। होलाष्टक के समय पर अपने आराध्य देवी देवता की साधना के लिए अति उत्तम माना जाता है। ईश्वर की भक्ति करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस होलाष्टक में दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। होलाष्टक के पूरे समय में भगवान शंकर के साथ साथ विष्णु की उपासना की जाती है। माना जाता है होलाष्टक में प्रेम आनंद में किए गए सारे प्रयास सफल। होलाष्टक में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जीवन में आ रही परेशानियों की से छुटकारा पाने के लिए इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वोत्तमुखम